ये बात उन्होंने कराची में अपनी रिहायशगाह कंगरी हाउस में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कही। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात में मुल्की मामला से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, हुकूमत मेरे अलावा किसी भी शख्स को तोड़कर शामिल कर सकती है, लिहाजा नुकसान के बजाय फायदा उठाया जाए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर मुत्तहदा कोई तहरीक चलाएगी तो वो कराची की हद तक कामयाब हो सकती है और वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी भी हो सकते हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी की खानदानी पोजीशन भुट्टो से ज्यादा है। ऐसी तहरीक चलने के इम्कान हैं सिर्फ मजहबी जमातों के, कोई भी सियासतदान मुल्क में नहीं आएगा, मैदान में नहीं आएगा। खानदानी पोजीशन है वो इससे भुट्टो से भी ज्यादा है। लगा रहे साहब ने गलत काम कौन सा किया था, हालांकि फौत हो गया है, अब मुझे दाद नहीं देगा। लेकिन एक ऑफिस उनके पास ही, एक बेनजीर के पास ही, दोनों ऑफिसों में टकराव तो होना था। उनका कहना था कि फारूक लगारी ने कोई गलत काम नहीं किया था। इनकलाब की बात करने वाले पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर से नहीं आते, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मेरे पीर साहब से खानदानी मरासिम है इसलिए इनके पास आया हूँ और उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने भी मेरे लिए फराख दिली का मुजाहरा किया। मुझे बताया जाए कि मैंने कौन सा ऐसा कदम उठाया है कि मुझे फारूक लगारी से मिला दिया गया है। ऐसी बातें नादान दोस्त कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हो। मैं नहीं समझता कि मैंने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे कि मैंने अपनी जमात की पॉलिसी के मुनाफी कोई बात की हो। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो नादान दोस्त हैं और ऐसे दोस्त हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मेरी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी रابطہ नहीं कर रहा, अगर इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता कायम रखा गया तो मैं इसको कायम रखूंगा, क्योंकि मैं रिश्ते तोड़ने का कायल नहीं हूँ। कैमरामैन खलील आदिल के साथ शमील अहमद, वक्त न्यूज़ कराची।